राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने बाड़मेर से भारत माला बचपन यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों और पुलिस थानों में पहुंचकर वास्तविकता जानी, साथ ही जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों को सरकारी योजनाओं के लाभ रूट लेवल पर पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दौरान मनन चतुर्वेदी चौटन क्षेत्र के विभिन्न सरहदी इलाकों में पहुंची। वे सरकारी योजनाओं की क्रियान्वित, शिक्षा और बाल विकास सेवाओं की स्थिति से रूबरू हुई। उन्होंने विरात्रा माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। वहीं मंदिर ट्रस्ट के सचिव भैरव सिंह सोडा ने मंदिर के इतिहास की जानकारी दी। साथ ही आयोग अध्यक्ष ने केलनोर ग्राम पंचायत परिसर में ग्रामीण महिलाओं और आम जन से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान महिलाओं ने आबादी भूमि के पट्टे दिलवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना और चिकित्सा सुविधा दिलवाने संबंधी समस्याओं से अवगत कराया। मनोज चतुर्वेदी ने सीमावर्ती इलाकों की समस्याओं को राज्य सरकार तक पहुँचाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों से पोषाहार और शिक्षा की स्थिति के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। इसके अलावा बीज रड पुलिस थाने का अवलोकन किया और बच्चों के लिए हेल्थ डेस्क लगाने के निर्देश दिए। साथ ही पंचायत समिति मुख्यालय पर आयोजित बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। आज सवेरे से हमने भारत माला बचपन यात्रा एक कदम बचपन की ओर की शुरुआत, जिसमें हम हर जिले में जहाँ जहाँ से जा रहे हैं, हर ब्लॉक में जहाँ जहाँ से जा रहे हैं और उसके थ्रू फिर हम गाँव गाँव और ठाणी ठाणी जाने का प्रयास कर रहे हैं। आज की शुरुआत हमने चौहत्तर से की और लास्ट में शाम को हमने इस एरिया की समीक्षा बैठक भी की और जो स्थिति है यहाँ के SDM साहब के साथ में और BDO साहब के साथ में, DYSP साहब के साथ में, सबके साथ में, सभी अधिकारियों के साथ में चर्चा की। जो भी चैलेंजेस हैं उन सबको देखा भी जाएगा और करेक्ट भी किया जाएगा। इसमें आज हम 3 गाँवों में गए, एक मेठराऊ, खेरनौर और नवताला। तो ये वहाँ पर कुछ कहीं कहीं पर कमियाँ आई हैं जो कि मुझे लगता है आपस में कोऑर्डिनेशन के कारण है, लेकिन दे कमिट टू मी एंड टू द चाइल्ड कि वो लोग इन चीज़ों को पूरी तरीके से। उल्लेखनीय है कि आगामी 21 फरवरी तक चलने वाली इस यात्रा के तहत आयोग अध्यक्ष सरहदी इलाकों में पहुंचकर रूबरू हो रही है।